हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलीज़ फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड में। तो गाइस, अगर आपने मेरी ये वाली जो सीरीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कोलकाता से दिल्ली गई थी मॉर्निंग फ्लाइट में और उसके बाद मैं यहां पहुंच गई हूं। अब आप ये जगह देखिए और सोचिए कि मैं कहां पहुंच गई हूं और मैं क्यों गई हूं कोलकाता से गुड़गांव। तो मुझे गुड़गांव में मतलब कुछ काम था, शोमिल के ऑफिस का काम था, तो मुझे लगा कि मेरा भी ऑफ कुछ काम था मेरा ब्राइडल वर्क रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ जा ही रही हूँ तो क्यों ना मैं गुड़गांव चली जाऊँ, बिकॉज़ अगर मैं गुड़गांव में, क्योंकि उसका ऑफिस था और कोइंसिडेंटली मेरा भी ब्राइडल वर्क का काम था, तो मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो मुझे क्यों ना एक्सप्लोर करूँ इस जगह को, क्योंकि मैं गुड़गांव इसके पहले कभी नहीं गई थी, दिस वॉज़ माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर करना। मैं दिल्ली तो बहुत बार जा चुकी हूँ काम के लिए, मेरा अपना वर्क एंड ऑल था दिल्ली में, बट गुड़गांव किसी तरीके से जाना नहीं हो पाता था। तो कोइंसिडेंटली हमारा ऐसे ही टाइम पड़ा कि उसका भी काम है और मेरा भी काम है शोमिल का, तो वी डिसाइडेड कि मुझे गुड़गांव में अभी थोड़ा रहना पड़ेगा, मेरा ब्राइडल वर्क भी है और प्लस मुझे ये जगह को एक्सप्लोर करना है एंड कुछ नए वीडियोज़ क्रिएट करने हैं, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ गुड़गांव में। और गाइस, मैं अभी आप देख सकते हैं मुझे बहुत भूख लगी थी एयरपोर्ट से निकलने के बाद, तो मैं जस्ट अपने रूम में गई, फ्रेश हो गए एंड जस्ट आई केम टू माय रेस्टोरेंट। जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मैं जिस होटल में ठहरी हूँ उसका सारा डिटेल अभी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप ध्यान से बने रहिए मेरे वीडियो में। ये ठीक गुड़गांव हाई कोर्ट के ऑपोजिट में है ये होटल, ये हर ऑफिस लोकेशन से काफ़ी पास है। और ये देखिए, हमेशा यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड इस तरह के मतलब ड्रेस कोड है उनका, वो उस तरीके से रहते हैं हमेशा 24 आवर्स, मैंने जो देखा है, अलग अलग शिफ्ट में डिवाइड होता है। तो अभी मैं लंच करने वाली हूँ और लंच ये बफे लंच है, इसमें आप देख सकते हैं पनीर टिक्का। मतलब जब भी आप गुड़गांव दिल्ली ये वाले साइड पे आओगे ना, तो आपको हर चीज़ थोड़ी बटरी, थोड़ा पनीर, दही, ये सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है जो मैंने फूडिंग हैबिट्स में देखा है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा यहाँ का पनीर काफ़ी टेस्टी होता है तो ट्राई करके देखा जाए कि कैसा है। एंड देन जो चीज़ मुझे लेना था, ये देखिए, मैं हर चीज़ तो नहीं ले रही थी बट मैं आपको दिखा ज़रूर दे रही हूँ। ये चिली मंचूरियन था, मुझे चिली पनीर के साथ अभी खाने का मन नहीं था, बिकॉज़ एक तरफ नॉर्थ इंडियन फूड और दूसरी तरफ चाइनीज़, सो ये एक अच्छा फिट नहीं बैठता, तो इसलिए मैंने ये सब आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने नहीं लिया। अब ये देखिए, ये थोड़ा पालंग सा, ये कौन सा चीज़ था, दाल या समथिंग कुछ था, इस तरीके का चीज़ मैंने थोड़ा सा ले लिया। एंड देन थोड़ा थिक टाइप का दाल था। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं और क्या लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नॉन वेज फूड ज़्यादा पसंद करती हूँ और वेज में मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मुझे दिख रहे थे, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि व्हाट शुड आई टेक। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ, मेरे काम का और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मेन्यू कार्ड से ऑर्डर किया जाए देख के। तो जो चीज़ें मैंने मेन्यू कार्ड पर देख के ऑर्डर की वो थी, जल्दी जल्दी मैंने गार्लिक नान मंगवा लिया अपने लिए, क्योंकि मुझे राइस वगैरह में वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, जीरा राइस मैं नहीं खाती, सो आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग। ये देखिए, थोड़ा दाल है, पनीर है, अनियन लिया था मैंने, एक एग करी लिया था, और ये आ गया मेरी काम की चीज़, यस दिस इज़ दम बिरयानी, चिकन बिरयानी एक्चुअली। तो वो मैंने अपना लंच वगैरह खा लिया, आराम से कंप्लीट कर लिया, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी था तो मैं इतना खा नहीं पाई, तो मैंने पैक करवा लिया। तो आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ में एक प्लास्टिक था, तो मैंने पैक करवा दिया और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा रूम टूर। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ रूम मिलेंगे। मेरा रूम ऐसा था, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, ये ऐसे रूम है जिसमें डबल बेड्स करके मिलते हैं आपको, सिंगल सिंगल करके डिवाइडेड रहते हैं, और मेरा जो रूम था वो तो डबल बेड वाला रूम था। जो फर्स्ट इमेज मैंने आपको दिखाई वो मेरे रूम की थी, एंड कुछ रूम ऐसे हैं जिसमें बाथटब इंक्लूडेड है, मेरे रूम में बाथटब नहीं था। ये मेरे जो वॉशरूम जो है, आपको हर तरह का सेम इसी तरह का वॉशरूम मिलेगा विद बाथटब। कुछ रूम में बाथटब थे, कुछ में नहीं थे, सो ये डिपेंड अवेलेबिलिटी के ऊपर। ये इनका लॉबी एरिया था, ये बहुत सुंदर था, रिसेप्शन के ठीक सामने वाला एरिया, और ये था सिटिंग एरिया जहाँ पर आप ड्रिंक एंड टी, कॉफ़ी ये सब भी पी सकते हो। तो इनका जिमिंग एरिया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये स्विमिंग एरिया था, क्योंकि मैं विंडो में जल्दी अपने काम के लिए निकल जाती थी, और बीच बीच में जब मुझे टाइम मिल रहा था तब मैं कहाँ जा रही थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और लिफ्ट वगैरह भी काफ़ी इनका अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इसलिए मुझे काफ़ी सारे मोटे मोटे जैकेट्स पहनने पड़े थे, क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड था उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम लोग गए थे जनवरी में, और काफ़ी ज़्यादा फॉग था,
एंड मैं अभी जस्ट आपको निकली थी थोड़ा नीचे, कुछ मुझे सामान लेना था इसलिए, तो मैं सोचे कि आपको नाइट व्यू थोड़ा इस एक्यूरा बीएमके का होटल का दिखाऊं कैसा है। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इट्स अ 4-स्टार प्रॉपर्टी, रात को भी सुंदर ही दिखता है। एंड ये देखिए कार पार्किंग फैसिलिटी है इनके यहाँ पे, कार पार्किंग के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है और जगह भी अच्छा है, कम्फर्टेबल है और मतलब आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी हम लोग जस्ट अंदर जा रहे हैं, मैं आपको पूरा एरिया ये वाला दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी वाला साइड एंटर करने का है और बगल में और एक स्लाइडिंग साइड है लगेज कैरी करने के लिए। और अभी अंदर चलते, काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड होटल था जो मुझे अच्छा लगा यहाँ का। सो गाइज आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो केरा बी एम के और यहाँ की फूड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।